हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज मैं आप लोगों के लिए लुकिंग अराउंड बुक एनसीईआरटी की ईवीएस बुक क्लास 3 की लेकर आई हूँ। इसका लेसन नंबर 10, जैसा कि आपको दिख रहा है, व्हाट इज कुकिंग, इस लेसन को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, कुकिंग क्या होता है? आप लोगों ने सबने इस वर्ड को सुना होगा। कुकिंग मतलब कि खाना बनाना। खाना हमारे सबके घर में बनता है, सबकी मम्मी या कोई भी बनाता ही होगा जिसको हम खाते हैं। कुछ चीजें हम लोग पका के खाते हैं और कुछ हम कच्चा भी खाते हैं, और अलग अलग बर्तनों में अलग अलग तरह से खाना बनता है। तो बच्चों, आज आप लोगों को इस लेसन में मैं बर्तनों के बारे में भी बताऊंगी, और आप लोग भी मम्मी के साथ किचन में जाके जरूर देखिएगा कि कैसे मम्मी खाना बनाती है। तो ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पिक्चर दी गई है, जिस पिक्चर में के नीचे लिखा है कि लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। तो इस पिक्चर को देखिए, इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स है उन जगह में कलर कीजिए। आप लोग इसमें हो सके तो एक ही कलर कर दीजिएगा। एक कलर करने से जो जिसमें डॉट्स नहीं है, वो जो बर्तन है वो अच्छे से उभर के आएगा। तो इसमें कौन कौन से अभी हमें दिखते हैं बर्तन, उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं। तो आप लोग को पहचान में आ ही रहा होगा कि इसमें एक तो कढ़ाई दिख रही है, हाँ ये कढ़ाई। दूसरा है ये पॉट, मटका। मटका हम लोग कब यूज करते हैं? मटका में या फिर चिकन बनता है, जो जम्मू कश्मीर के साइड में तो मटके में ही चिकन बनती है, और चावल बनाने के काम में, हर पानी गर्म करने के काम में, हर घर में अलग अलग तरह से हर बर्तन का यूज होता है। उसी तरह से कढ़ाई, कढ़ाई में हम लोग सब्जी बनाते हैं, कुछ भी फ्राई भी करते हैं, कभी तो फिश वगैरह, फिर चिकन बनानी होती है तो हम लोग कभी कढ़ाई में भी बनाते हैं। उसी तरह से ये दूसरा हो गया सॉस पैन करचुल, लैडल, इंग्लिश में लैडल कहते हैं और इसको हिंदी में करचुल भी कहते हैं, जो कि सॉस पैन में खाना बनाते वक्त हिलाने के काम आता है, जब दाल बन रही होती है सॉस पैन में कभी। नेक्स्ट ये है तवा। तवा हर घर में ही होती है। तवे में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? डोसा बनता है तवा में, और चपाती बनती है, पराठा बनता है, ये सब कुछ तवे में बनता है। ये होता है सीव स्पून, इसमें छेद होती है और इसको पूड़िया वगैरह तलने के काम में हम लोग लाते हैं। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर सबके घर में होता होगा, हम लोग किसी भी चीज को बॉईल करने के काम आती है। ये है फ्राई पैन, इसमें हम लोग अगर पकोड़ा बनाना होता है थोड़े कम तेल में, जैसे कि कैप्सिकम के पकोड़े, ब्रिंजल के पकोड़े, तलने के काम में आता है। और ये है स्पैचुला। तो इनको हमें रिक्त स्थान में नीचे लिखने हैं। यहां मैं लिख देती हूं बच्चों। कढ़ाही, तवा, मटका, हाँ
पॉट भी कहते हैं इसको। सॉस पैन करछुल, सॉस पैन करछुल, CHUL करछुल, ये एक लैडल है। लैडल मीन्स हाता। लैडल है। नेक्स्ट स्पैचुला, SPATULA स्पैचुला, सीव, SIEVE सीव, स्पून, SPOON सीव स्पून, प्रेशर कुकर, PRESSURE प्रेशर, COOKER प्रेशर कुकर। अभी है पेज नंबर 64, इसमें लिखा है इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। उसी पिक्चर में कुछ तो बर्तन थे जो कि हमें खाना बनाने के काम आते थे। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, क्या आपके घर में इसके अलावा भी कोई अन्य बर्तन है जिसमें कि खाना बनाने का काम करते हो? विचार दे, वे क्या क्या है, तो मैं आप अपने किचन में देख के उस हिसाब से लिखिएगा। जैसे कि किसी के घर में अगर मिल्क कुकर होगा जिसमें दूध गर्म करते हैं, किसी के घर में ओवन होगा जिसमें केक वगैरह बेक करते हैं, वो भी खाना बनाने के ही बर्तन हुए, चीज हुआ। फिर अलग तरह का कोई सॉस पैन या किसी भी अलग तरह से अगर आपके घर में खाना बनता है तो जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, बर्तन जो है वे किस चीज से बने होते हैं। तो बर्तन अलग अलग धातुओं से बने होते हैं, कुछ तो स्टील के होते हैं, STEEL स्टील, फिर वुड के होते हैं, आयरन, आयरन के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, ग्लास के बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, और भी बर्तन आते हैं जैसे कि मेलामाइन के होते हैं, कुछ बोन चाइना के होते हैं, तो वो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग अपने घर के किसी बड़े के साथ बातचीत कर सकते हैं उस बारे में। आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वेयर यूज्ड अर्लियर, पहले जमाने में कैसे बर्तन यूज होते हैं थे उसके बारे में किसी के साथ बात कीजिए। व्हाट वेयर दे मेड ऑफ, और उन बर्तन को किस चीज से बनाया जाता था। जैसे कि पहले मिट्टी के बर्तन बहुत यूज होते थे, जितना तक हमें पता है मिट्टी के बर्तन में और आग के ऊपर रखकर उसमें खाना पकाया जाता था। तो इसी तरह से आप लोग के वहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत कीजिए, तब आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस बारे में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, हम जो भी खाते हैं वह सभी चीज हम लोग कुक नहीं करते, मीन्स खाना को बनाते नहीं है, कुछ तो कच्चा भी खाते हैं बिना कुक किए। Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. तो ऐसे कुछ चीजें देखो जिसको हम लोग कच्चा खाते हैं और कुछ तो होते हैं जो कि पकने के बाद ही खाते हैं, पकाने के बाद ही खाते हैं। तो उन चीजों के एक बार किचन में जाकर मम्मी से जरूर बात कर लेना। Which are the things we eat both cooked and raw? ऐसे कौन कौन से चीज होते हैं जिसको हम
पका के भी खाते हैं या फिर कच्चा भी खा लेते हैं, जैसे कि रॉ मतलब कि कच्चा। फिल इन द टेबल गिवन बिलो, अभी टेबल दी गई है उसको हमें फिलअप करना है। इसमें एक पार्ट में एक कॉलम में लिखा है थिंग्स डेट आर ईटन रॉ, वह चीजें जो हम कच्चा खाते हैं। थिंग्स डेट आर ईटन कुक्ड, वे चीजें जिसको हम पकने के बाद ही खाते हैं। थिंग्स डेट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, कच्चा भी खाते हैं और पकाने के बाद भी खाते हैं। तो हम लोग कच्चा क्या क्या खाते हैं, सिर्फ कच्चा, उसको कभी भी, जिसको हम कभी भी पका के नहीं खाते हैं। ऑरेंज, शुगर केन, वाटरमेलन, जामुन, एप्रिकॉट, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वे हम, वो सब हम कच्चा खाते हैं। ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, शुगर केन दैट मीन्स शुगर केन, शुगर केन मतलब कि गन्ना, वाटरमेलन, वाटरमेलन, जामुन, एप्रिकॉट, ये हम कच्चा ही खाते हैं। थिंग्स डेट आर ईटन कुक्ड, पका के जिसको खाते हैं। राइस, राइस हम कभी भी कच्चा नहीं खाते हैं। मीट, मशरूम, फिश, पोटैटो, ये हम लोग पका के खाते हैं। थिंग्स डेट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, कभी तो हम उसको पका के भी खाते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। वैसे क्या होते हैं, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश, मूली, अनियन, प्याज, टमाटो, और चीज। चीज को हम कच्चा भी खाते हैं, इसको पकने के बाद भी हम खाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 65। हैव यू सीन ए चपाती बींग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स, कभी तुमने चपाती बनते हुए देखा है, किचन में ही हो या फिर कहीं अलग जगह भी चपाती को बनाते हुए कभी देखा है। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस, टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, चपाती को बनाने से पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें जिस भी चीज का चपाती बनती है, बाजरे का या फिर गेहूं के आटे का, तो उसको पहले तो फ्लोर मंस आटा, आटा को हम लेते हैं कोई भी बर्तन में, यूटेंसिल में, नीडिंग इट इनटू अ डो, दैट मीन्स इसको पानी डाल के इसको फिर गूंथते हैं, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, फिर उसको हम जो डो होता है उसके बॉल्स बनाते हैं छोटे छोटे, रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, फिर रोलिंग आउट मतलब कि उसको बेलते हैं और उसको फिर सेकते हैं। उस हम चपाती किस तरह से बनाते हैं, रोस्ट करते हैं, ठीक है, जो सेका जाता है जिस चीज को, उसको रोस्टिंग कहते हैं। उसके ऊपर कभी हम लोग घी या फिर थोड़ा तेल डाल के भी बनाते हैं। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रिचेस योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ इफॉर्ट, तो बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपके प्लेट में चपाती पहुंचती है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बींग कुक्ड, किचन में जाके थोड़ी देर रुको, मम्मी क्या
किचन में जाके हमें देखना है कि मम्मी क्या बनाती है और कैसे खाना बनता है. What all was done to cook it? और उसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है प्रोसेस. Write the sequence. इसके सीक्वेंस में उसको आप लिखिए. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. सबको अपने घर में किचन में जाकर देखना है और फिर कोई भी रेसिपी जो भी सबसे अच्छा लगा हो उसे ही आपको लिखना है. मैं एक आसान सा रेसिपी अभी बता देती हूँ लेकिन आप लोगों को खुद से लिखना है. नेम ऑफ द आइटम मैं बताती हूँ. चाय, टी. T-E-A-T. पहले हम क्या करते हैं कि put water in a pan. Let it boil. Add some tea, dry tea ना. चाय पत्ती डालते हैं ना उसको. हाँ, इंग्लिश में टी ही कहा जाता है. ओके, एड सम टी. एड मिल्क एंड स्टर. स्टर मीन्स हिलाना है. फिर एड शुगर. चीनी मिलाना नहीं है. एड शुगर देन ड्रेन इट टू अ कप. इस तरह से हमारे हाथ में टी आ जाती है. तो आप लोग कोई भी रेसिपी इसमें लिखिएगा. You have seen that. You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Variety मतलब कि अलग अलग. आपने देखा होगा कि हर आइटम को बनाने की विधि अलग अलग होती है. Some are baked and some are fried. किसी किसी को जैसे कि ढोकला, केक, ब्रेड, इसको इनको बेक किया जाता है और किसी किसी को फ्राइड किया जाता है. फ्राई करते हैं कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में. और बेक किस में करते हैं, या तो बेक का कोई अलग सा सॉस पैन होगा और नहीं तो ओवन में. सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड. चपाती है, हम उसको रोस्ट करते हैं और कुछ तो स्टीम करके बनाते हैं, जैसे कि इडली, मोमो वगैरह स्टीम करके भाप में बनाया जाता है. गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. कुछ मेथड्स दिए गए हैं एक कॉलम में. राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स. और उस मेथड से बनाने वाला किसी भी दो खाने की चीजों के नाम लिखने हैं. Add some more methods of cooking to the list and give examples too. और भी अलग methods डाल के उसके भी examples आप दीजिएगा. तो method of cooking पहला दिया गया है roasting. Roasting मतलब कि dry, बिल्कुल जब roast करते हैं. अगर कढ़ाई में हम लोग कभी मूंगफली को roast करते हैं ना, उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, तो वह रोस्टिंग होती है. रोस्टिंग हम क्या क्या करते हैं, चपाती, CHAPATI, चपाती, ब्रिंजल. ब्रिंजल मीन्स बैंगन. बैंगन को हम लोग रोस्ट करते हैं, उसका भरता बनाते हैं. फिर बॉइलिंग, हम मिल्क को बॉइल करते हैं. एग,
एग, अंडा हम लोग बॉईल करते हैं। फिर हो गया फ्राइंग, हम फ्राई करके भी खाते हैं, पोटैटो चिप्स बनाते हैं उसको हम फ्राई करते हैं। और फिश, फिश हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने का मतलब तेल में तलना। बेकिंग, बेकिंग केक बनाते हैं बेक करके, और ब्रेड बनाते हैं। बेकिंग करते वक्त हम किसी भी चीज में जब बनाते वक्त बेकिंग सोडा डालते हैं उसको फूलने के लिए, तभी ये बेक हो जाती है। स्टीमिंग, जब भाप में डाल के बनाते हैं हम। इडली, मोमो, मोमो भी स्टीम में बनता है। ग्रिलिंग, कभी तो ग्रिल करके भी हम खाते हैं, जैसे कि फिश ग्रिल करके खाते हैं, पनीर। आप अपने टीचर से और पेरेंट्स से दूसरे भी कोई अगर मेथड है बनाने के तो जरूर पूछ के इसमें आप लोग अपना नॉलेज को बढ़ा लीजिएगा। व्हाट इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस, आपके घर में खाना बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, मतलब कि चूल्हा किस तरह का यूज किया जाता है। ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। आजकल तो ज्यादातर के घर में गैस स्टोव यूज किया जाता है और एलपीजी सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं चलाने के लिए, है ना। लेकिन आपके घर में कोई दूसरा जैसे कि ओवन, फिर माइक्रोवेव, फिर इंडक्शन में बनता होगा तो उसको भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। पिक्चर कुछ दिए गए हैं उनको आप पहले पहचानिए, उसके बाद उनका नाम लिखिए। व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, और उन चूल्हों में हीट किस चीज से प्रोड्यूस होती है। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। फिर इस लिस्ट जो लिखा हुआ है उसके साथ हमें मैच करने हैं। पहला है कि केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल से हम ये स्टोव चलाते हैं, इसमें स्टोव लिखना है, केरोसिन ऑयल के साथ मैच करना है। कोल, कोल से हम ये वाला स्टोव चलाते हैं, इस तरह का स्टोव बनता है, बकेट में भी बना सकते हैं, खुद बना भी लेते हैं। कोल से हम इसमें हीट प्रोड्यूस जो होता है वो कोल करता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर जलती है, इसमें हम खाना पकाने का काम कर सकते हैं। फिर गैस, गैस का सिलेंडर से हम लोग स्टोव में खाना बनाते हैं। वुड, वुड से हम चूल्हा जो होता है उसमें खाना बनाते हैं। काउडंग केक्स, काउडंग केक्स यानी सनलाइट, सनलाइट सनलाइट मीन्स सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से हम सोलर हीटर में भी खाना बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि सन की रोशनी पड़ती है और ये हीट होता है, गर्म होता है, और उसी की गर्मी में हम लोग खाना बनाते हैं। काउडंग केक्स, काउडंग केक्स मतलब कि उपला, अगर हमें कोयला ना मिले तो हम उपला डाल के भी, या फिर वुड ना मिले तो हम उपला डाल के भी खाना बनाने बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेक एंड ईट। सो होल, इसमें एक रेसिपी है जो बच्चों आपको करके भी देखना है, बहुत मजेदार है, आप लोग सब बना सकते हैं। सो होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर, एक रात के लिए मूंग की दाल जो साबुत होती है ना वह भिगो के रखना है पानी में एक रात पूरी। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। सुबह उसको मूंग की दाल, मूंग को रैप करना है पेपर में और कवर करना है। आउट आफ्टर 8 डे, जो मूंग की दाल है उसको भिगो के पूरी रात उसके बाद एक कपड़े में रख के फिर उसको एक दिन के बाद निकालना है, तो आपको क्या दिखेगा,
हाँ आपको खुद देखना है, उसमें आपको दिखेगा कि थोड़े से स्प्राउट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर एड स्लाइस्ड अनियंस, उस स्प्राउट्स में कच्चा जो अनियन है, प्याज है, उसको काट के डालिए, टमेटोज, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूम एंड मिक्स, और फिर उसको मिक्स कीजिए अच्छे से, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स, और सबके साथ इसको शेयर करके खाइए, इसको आप बना के खाइएगा। Which are the other things you can prepare without cooking? Write their names and the method of preparing them. One example is given below. इसी तरह से आप कौन और भी क्या चीजें हैं जो कि आप बिना कुक किए खा सकते हैं, जो कि आप खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि लेमन वाटर आप सभी प्रिपेयर कर पाएंगे। मिक्स शुगर इन वाटर, चीनी डालो पहले पानी में, फिर एड लेमन जूस, फिर लेमन जूस डालो, फिर स्ट्रेन इट। स्ट्रेन करने के बाद मींस जो छानना है, लेमन वाटर इज रेडी, लेमन वाटर जो है वो रेडी हो जाएगी। मैंगो शेक बना सकते हैं इसी तरह से हम। मैंगो शेक बनाने के लिए पहले तो हमें मैंगो इनटू पीसेस में काटने हैं, फिर शुगर मिलाने हैं।